टिम्सी को पहली बार सुनील जी ने चेतड़ू में देखा। उसके वजाइना में एक घाव था जो कि मैगेट वुंड में तब्दील हो गया था। सुनील जी खुद एक वेट है और उन्होंने टिम्सी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बार बार पकड़ना मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने हमें कॉल किया। टिम्सी का नाम उसके स्वभाव पे ही रखा गया था। वो बहुत ही टिमिड यानी कि सहमी हुई थी। उसका घाव इतना बुरा था लेकिन फिर भी वो चुपचाप सारे ट्रीटमेंट सह लेती थी। एक महीने में उसका घाव तो ठीक हो गया, लेकिन इम्यूनिटी वीक होने के कारण उसे एक और इन्फेक्शन हो गया जिससे उसके वजाइना में पस बन गई। पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे 2 महीने लग गए, लेकिन उसके बाद जब बात आई उसको रिलीज करने की, तब हम एक दुविधा में पड़ गए। हमारी दुविधा ये थी कि टिम्सी एक बूढ़ी डॉग है। बूढ़े होने की वजह से उसकी किडनीज भी खराब हैं। ऐसी हालत में टिम्सी को सड़क पे छोड़ना उसे मौत के दरवाजे पे छोड़ देने जैसा ही होगा। छोटे पपीज और बछड़ों के अलावा जो भी जानवर इधर कोई चोट या तकलीफ की वजह से आते हैं, हम उन्हें ठीक करने के बाद वापस वहीं रिलीज कर देते हैं जहां से वो आए थे। लेकिन ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिनको रिलीज करना मुमकिन नहीं होता। योयो को ही ले लीजिए। इसके पीछे के दोनों पैर पैरालाइज्ड हैं, जिसकी वजह से उसका सड़क पे रहना असंभव है। या तरबूज, जो एक अबैंडन एजेड लैब्राडोर था। तो ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग आगे आए जो टिम्सी और तरबूज जैसे बूढ़े डॉग्स को अडॉप्ट करने से कतराए ना। फिलहाल टिम्सी का ध्यान तो हम रख रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल ऐसे ही केनल में काटे। हाँ, बूढ़े कुत्तों में पपीज जैसी एनर्जी नहीं होती, वो आपके साथ उतनी उछल कूद नहीं कर पाते, लेकिन उनके उम्र से उनके प्यार देने की क्षमता का कोई लेना देना नहीं है। टिम्सी अभी भी उतनी ही शांत है, लेकिन अब और भी फ्रेंडली हो गई है। उसे जरूरत है सिर्फ एक घर की, जिसके मिलने के बाद शायद वो जिंदगी में पहली बार चैन की सांस ले सके।